सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर व्लॉग। दोस्तों आज आपको लेके आया हूँ करोल बाग में, एंड जिस शॉप पे लेके आया हूँ आप इन्हें जानते हैं, ये है हमारे करोल बाग की शान, हमारे करणजीत पाजी। कैसे हो पाजी? बढ़िया पाजी, बढ़िया। तो आज के व्लॉग में हम क्या क्या दिखाने वाले बाइक्स में ये बताइए। आज के व्लॉग्स में आपको KTM की काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं, काफ़ी वैरायटी है। ओके, बट सारी बाइक्स तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। कुछ बाइक्स जो बाहर अवेलेबल हैं वो आपको दिखा दूंगा। RS मेरे पास अवेलेबल है, NS और कुछ बहुत सारी कम चली बाइक्स भी अवेलेबल हैं जो 100-200 किलोमीटर चली है जस्ट। ओके, बस गाइस आपको ये बता दूं कि जो आज के व्लॉग में आपको वैरायटी दिखाने वाला हूं, 16,000 रुपीज से स्टार्टिंग रेंज है। अब ये मैं सोचना कि 16,000 में अगर मैंने दिखाई है तो आपको KTM दिखाऊंगा। 16,000 के अलावा इसमें आपको 50,000, 80,000, 1.5 लाख तक की भी आपको बाइक दिखाऊंगा, जिसमें होंगे आपकी KTM 200, 390 cc और भी बहुत सारी आपको वैरायटी दिखाऊंगा। बस पाजी ये बताइए, 15,000 से बाइक स्टार्टिंग होने का मतलब एक लेबल है, वो ये नहीं है कि बाइक आपको 15,000 में KTM मिलेगी। हाँ, या फिर आप RS 200 15 से 20,000 में लेके, इसको लेकर काफी डाउट में रहते हैं। भाई 15,000 में KTM बहुत कॉल्स आती है ऐसी कि 15,000 आपने लिखा हुआ उस पर, तो ये 15,000 स्टार्टिंग रेंज है, नॉट फॉर KTM। ओके, ये अलग बाइक्स। ओके, बस गाइस आपको ये बता दूं पाजी, तो ये बताइए फाइनेंस की अवेलेबल है कोई आपके पास? फाइनेंस अगर कोई क्रंच है तो? नहीं, फाइनेंस हम लोग नहीं करते हैं। दिल्ली में कुछ अगर कस्टमर्स जैसे हमारे रूटीन कस्टमर्स हैं उनके लिए हम फाइनेंस कर देते हैं, अदरवाइज फाइनेंस फैसिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मतलब एक बंदे का बैकग्राउंड अच्छा है और उसके रिकॉर्ड्स क्लियर है सारे बैंक से, मतलब तो उसको फाइनेंस हो जाएगा? फिर भी कुछ ऑप्शन है हमारे पास फाइनेंस के लिए। KTM है, जैसे ये KTM है पाजी, एक्चुअली फाइनेंस जो है ना क्या है, हमारे पास प्राइवेट फाइनेंसर्स होते हैं, अगर वो अप्रूव करते हैं तो ही फाइनेंस हो पाती है। ओके, हम खुद फाइनेंस नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ। फॉर एग्जांपल एक पाजी बात करिए, अगर ये KTM है, अगर ये कितने मिनिमम देके मतलब से कोई बंदा लेके जा सकता है फाइनेंस पे, अगर लेना चाहे तो? मिनिमम 50-60% देना पड़ेगा, मिनिमम 50% तो चाहिए ही चाहिए उसको अमाउंट फाइनेंस कंपनी को। प्लस गाइस आपको बता दूं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पाजी का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। ये आपके आगे पल्सर 130 चली हुई है, 14-15 मॉडल की बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है इस मॉडल में, बिल्कुल। अभी तो कुछ स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, गोडाउन में है, यहाँ से आपको मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा इतनी बाइक्स। एंड ये आपने बताई 18,000 रुपीस की जी। ये आपकी आ गई अपाचे, अपाचे के अपाचे का नाम कुछ बताइए जरा। अपाचे RTR मैट ब्लैक कलर में मेरे पास दो अवेलेबल हैं। ओके ओके, ये 2014 है एंड इसके साथ वाली जो है वो 2016 मॉडल है। ये देखिए जो आप ये सामने देख रहे हैं, आपके 2014 मॉडल है एंड ये आपके 2016 मॉडल है, दोनों आपकी मैट ब्लैक कलर में है। हां, और दोनों बहुत ही मिंट कंडीशन, बहुत ही एक्स्ट्रा क्लीन बाइक है, इंजन इसका सुपर्ब इंजन। ये 2015 मॉडल है, स्पेशल नंबर है 4545 एंड डिमांड इसकी मेरी 45,000 है। ये आपकी 45,000 रुपीस की बाइक है जी। पाजी ये बाइक कितने किलोमीटर चली बाइक है ये? ये चली हुई है अराउंड 20,000 किलोमीटर जी। एंड आपने इसकी डिमांड बताई थी 45,000, नंबर भी 45 एंड डिमांड भी 45। ओके, सही बात है पाजी। अब गाइस ये आपके आगे अपाचे, पाजी इसके बारे में बताइए, बाइक के बारे में। ये 2016 मॉडल है, डिमांड इसकी हमारी 60,000 है, 200 cc बाइक है। ओके, और नई आपको पता ही है 1,18,000 रुपए की है। ओके ओके, अब आपकी नेक्स्ट आ गई यामा की FZ वर्जन 2 2015 मॉडल। ओके, ये आपकी आ गई यामा की FZ वर्जन 2 2015 मॉडल जी। और पाजी कितने किलोमीटर चली बाइक है ये? ये 20,000 किलोमीटर। एंड इसकी क्या डिमांड कर रहे हो पाजी? डिमांड इसकी हमारी है 45,000 रुपीज़। कवर है बजाज किस कवर? हाँ, 2012 मॉडल है, 2012 मॉडल। हाँ, okay। और इसकी डिमांड जो हमारी 16,000 है, इसको प्राइस हम कम कर देंगे, नेगोशिएबल प्राइस है। ओके ओके, इसकी ऐसे डिमांड पाजी 16,000 रुपए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये लेने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेना चाहते हैं तो तब भी इस पे कुछ कंसेशन हो जाएगा? जी बिल्कुल, 16 डिमांड की है। ये आपकी बजाज डिस्कवर आपको मिलेगी 16,000 की। अब आपकी नेक्स्ट आगे पाजी हीरो होंडा स्प्लेंडर जी, स्प्लेंडर 2016 मॉडल। ये देखिए हीरो होंडा स्प्लेंडर 2016 मॉडल जी, 16 मॉडल है, 35 की डिमांड है इसकी, 35,000 रुपीज़ जी। 2016 मॉडल बताया जी, आई स्मार्ट। अब ये आपकी आ गई हीरो होंडा की 2013 मॉडल है, 26,000 रुपीज़।
ये आपके आगे 2013 मॉडल हीरो होंडा हंक एंड इसकी क्या डिमांड है भाई? 26,000 रुपये जी, डिजिटल मीटर वाली है। हीरो होंडा पैशन जी भाजी, क्या रहता हूँ हीरो होंडा पैशन, ये 2012 मॉडल है। ये है आपकी पैशन 2012 मॉडल, भाजी इसकी क्या डिमांड है? 20,000 रुपये। ये आपकी आ गई 2017 मॉडल है, ठीक है, विद 3 ईयर इंश्योरेंस। ओके, ये आपके 2017 मॉडल है विद 3 ईयर इंश्योरेंस। नहीं, ये कौन सा एक क्लासिक मॉडल है? 350 कौन सा है? 350। ये आपका क्लासिक 350 मॉडल है, सिंगल ओनर बाइक है। सिंगल ओनर बाइक, ओके। एंड पाजी ये कितने किलोमीटर चली बाइक है? ये किलोमीटर तो आपकी 7,700 है। 7,700 किलोमीटर चली हुई है। एंड इसकी क्या कॉस्ट होगी पाजी? कॉस्ट 1,25,000 डिमांड है। ओके ओके, 1,00,000 प्राइस, थोड़ा सा स्लाइट नेगोशिएबल है। ओके, 1,25,000 की है ये। आगे नेक्स्ट आपकी बजाज की डोमिनर है ना भाई? 2017 है। ओके, विद एबीएस। 2017 में एबीएस गाड़ी 13,000 किलोमीटर। ओके भाजी, इसकी क्या डिमांड है? डिमांड इसकी हमारी जो है 1,00,000 है। 1,00,000 रुपीज़। तो भाजी एक बात है, ये प्राइस की फिक्स तो नहीं है ना? अगर आपकी शॉप पे आता है तो थोड़ा बहुत तो हो जाए ना, कि वीडियो से आते हैं सब कस्टमर आते हैं, वीडियोस मेंशन करते हैं तो ऑब्वियसली डिस्काउंट तो बनता है। ओके ओके ओके, आपकी KTM ड्यूक 2016 मॉडल। 2016 मॉडल, ओके ओके ओके, ठीक है। अब भाजी इसके बारे में बताइए, कितनी किलोमीटर चली हुई बाइक है ये? 2016 मॉडल है, सिंगल ओनर बाइक है और इसका जो डिमांड है हमारी 95,000 रुपये। ये आपका हो गया 2015 मॉडल। एंड भाजी कितने किलोमीटर चली बाइक है ये? ये चली है जी अराउंड, मेरे हिसाब से 10 अराउंड, अराउंड 10,000 किलोमीटर। एंड इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं भाजी आप? डिमांड 95,000। ओके, ये आपके आ गई पहले KTM। भाजी पहले तो ये बताइए कौन सा ये मॉडल है, कौन सी ईयर की बाइक है? मॉडल ईयर जो है इसका 2015 मॉडल है। 2015 मॉडल है, 390cc है। 390cc, ये है आपकी KTM 390cc। ओके, अब भाजी ये बताइए इसकी क्या कॉस्ट होगी पहले तो? कॉस्ट इसकी 1,25,000 डिमांड है हमारी। ओके, नेगोशिएबल है। और ये बताइए भाजी कितने किलोमीटर चली हुई बाइक है ये? ये 20,000 चली है और ये बाइक जो है इसके ऊपर जो है टोटली बॉडी जो है इसके ऊपर 45,000 की कंपनी से लगी हुई है। ओके, वर्जन 18 वर्जन। ओके, जो मतलब इसके आप एक किट देख रहे हैं जिसपे लगी हुई देख रहे हैं, ये आपकी 2018 की किट है ये। ये आपको रेयरली किसी गाड़ी में मिलेगी, शायद आपको किसी भी शॉप पे किसी के पास भी, मेरे पास सबको अवेलेबल है। ओके, एंड पाजी ये बताइए क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझसे ये पूछते हैं कि आपके पास बाइक जो है दिल्ली के अलावा हरियाणा एंड यूपी नंबर की KTM मिल जाएंगे आपके पास? नहीं, बहुत बहुत कम केस में मिलती हैं ऐसी। ओके ओके, बहुत ही कम आती हैं दिल्ली हरियाणा की, यूपी, मतलब अगर 1% किसी को चाहिए फॉर एग्जांपल तो मतलब अरेंज हो जाएगी उसके लिए? हाँ जी, हाँ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है यूपी नंबर की, हरियाणा नंबर दोनों है पॉसिबिलिटी। एंड ये है आपकी 1,25,000 है ना भाजी? ये आपकी आ गई पल्सर RS 200। पाजी कुछ इसके बारे में बताइए पहले आप। ये 2015 मॉडल है, जस्ट मैंने अभी एक अभी जस्ट परचेज किया बाइक, इसमें क्लीनिंग वर्क बाकी है गाड़ी में। हाँ जी, हाँ जी। और गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है, बॉडी भी आप देख ही रहे हो, गाड़ी बॉडी वर्क भी बहुत फर्स्ट क्लास बाइक है, बहुत अच्छी क्लीन बाइक है, बट इसमें जस्ट छोटा मोटा काम बाकी है, बस और कुछ क्लीनिंग वर्क बाकी है गाड़ी में। ओके, एंड पाजी ये बताइए कितने किलोमीटर चली बाइक है ये? ये चली हुई है अराउंड 15-20 के बीच में है, 16-17,000 चली हुई है। ओके ओके, ये आपकी चली 16-17,000 किलोमीटर जी। एंड पाजी की क्या डिमांड है? 60,000 रुपीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बाइक पे जो कि है आपकी, अब ये हो गया आपकी पाजी KTM 200 RC 200। ओके ओके, RC 200 हो गया। 2017 मॉडल, ठीक है पाजी। एंडिंग है, ठीक है, 5,000 चली है, 5,000 किलोमीटर। और पाजी इसकी बात आई, इसकी क्या डिमांड है? इसकी डिमांड 145 है हमारी। 1,45,000। क्या है पाजी, क्या प्राइस बताया था आपने इसका? 1,45,000 डिमांड है, नेगोशिएबल है प्राइस। 1,45,000। ये पाजी ये भी 2017 मॉडल है, इसमें स्लाइडर लगे हुए हैं, हॉर्न्स लगे हुए हैं। ओके, ये बूट्स लगे हुए हैं, हॉर्न्स और ये लगे हुए लेवर लगे हुए हैं, फोल्डेबल लेवर लगे हुए हैं, एडजस्टिंग ये इस पे लेवर भी लगा रखे हैं। और इसकी डिमांड भी हमारी 1,45,000 है, 17 है लास्ट की। अच्छा अच्छा, ये आपकी इसकी डिमांड है 1,45,000। कितने किलोमीटर चली थी पाजी बाइक? 4,000। ये आपकी चलिए 4,000 किलोमीटर। ओके,
ये आपकी चली हुई है दोस्तों 5544 किलोमीटर। ओके तो आज ये बजट की एग्जॉस्ट साउंड सुनाइए। मॉडल है ये और 6000 किलोमीटर चली हुई है, जस्ट सिंगल ओनर बाइक है। 6000 किलोमीटर चली हुई है जी। भाजी जी क्या डिमांड है इस बाइक की? डिमांड हमारी इस बाइक की 60000 है, नेगोशिएबल प्राइस है और बाइक बिल्कुल नई जैसी है, नई जैसी बाइक है। आप देख लो, एक भी गाड़ी के ऊपर इवन साइलेंसर तक पे इसके स्क्रैच नहीं आया कोई भी। सही है। अब आपकी नेक्स्ट आ गई आपकी इंट्रूडर 2018 मॉडल, 2000 किलोमीटर रन। ये आपकी आ गई सुजुकी इंट्रूडर 2018 मॉडल 2000 किलोमीटर। हां विद एबीएस। विद एबीएस। ओके भाजी इसकी क्या डिमांड है इस बाइक की? ये आपको 80000 की डिमांड है हमारी। 80000 रुपीस की। ये 2018 मॉडल है, मिड की, जस्ट 4-5 महीने पुरानी, मान लो 4-5 मंथ्स ओल्ड। एंड पाजी कितने किलोमीटर चली है बाइक है ये? ये बाइक चली हुई है अराउंड 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर। एंड इसकी क्या डिमांड है पाजी? डिमांड इसकी 165 डिमांड है, नई का जो प्राइस है इसका 225000 है। ब्रांड न्यू कंडीशन। ये आपकी आ गई पल्सर एनएस 200। भाजी इसके बारे में कुछ बताइए पहले तो आप। ये 22-25 डेज ओल्ड बाइक है। ओके। और सिर्फ 100 किलोमीटर चली हुई है बाइक। ओनली 100 किलोमीटर, जस्ट 100 किलोमीटर चली हुई बाइक है। कस्टमर ने शोरूम से खरीदी है, घर गया है एंड सेल आउट कर दी है, उसके बाद आई डोंट नो द रीजन क्यों सेल की है। अभी एक भी सर्विस नहीं हुई है बाइक की। भाजी से क्या कॉस्ट होगी? कॉस्ट इसकी बिलिंग प्राइस से 25000 लेस। 25000 लेस। ओके जी। एबीएस मॉडल है। ओरिजिनल प्राइस है पाजी ने था अराउंड 145000 है जी, तो उससे आपको 25000 रुपीस लेस हो जाएंगे अगर आप पाजी से परचेज करते हैं बाइक, जो भी एक्चुअल इसका बिलिंग प्राइस होगा। ओके ओके। ये नेक्स्ट बाइक आ गई आपकी यामा की एफजेड जी। बताओ पाजी इसके बारे में। एफजेड F5 वर्जन 2017। ओके। कितने किलोमीटर चली हुई पाजी बाइक है? ये चली हुई है 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर जी। ओके। एंड इसकी क्या डिमांड कर रहे हो यार? डिमांड इसकी 70000 है मेरी। 70000। ओके। अब आपके आगे नेक्स्ट बाइक ये कौन सी है? ये है चिक्सर, चिक्सर 150। 7000 चली हुई है बाइक। 7000 किलोमीटर। ये अभी जस्ट परचेज किया, अभी 2017 मॉडल है। 2017 एंड इसका क्या बैक कर लेते हो? विद बोथ डिस्क ब्रेक, डबल डिस्क वाली बाइक है ये। डिस्क ब्रेक डबल है इसमें, आगे पीछे दोनों, फ्रंट एंड रियर बैक दोनों में आपको जी। एंड भाई जी क्या डिमांड की थी हमने? डिमांड इसकी मेरी है अपना 65000। ओके।